वो LDAP सर्वर सेटअप हुआ हुआ होगा, आपने सिर्फ उसको कनेक्ट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगा। ये मेरे पास एक विंडोज की मशीन है, मैंने इसकी पावर ऑन कर दी, और एक मेरे पास लिनक्स की मशीन है, मैंने इसकी भी पावर ऑन कर दी। ये जो लिनक्स की मशीन है ना, ये सूसे लिनक्स है, क्योंकि रेड हैट लिनक्स के अंदर कमांड लाइन होता है, और वो LDAP सर्वर अगर मैं बनाने बैठूंगा तो मुझे घंटा लग जाएगा। हर चीज कमांड लाइन, यूजर ग्रुप्स, OU, ये सब कुछ मुझे कमांड लाइन करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा दूँ। पहले बना रहा मैं पहले है ना पहले LDAP बना रहा LDAP, पहले LDAP बना दूँ। नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। LDAP बना लेते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि LDAP बना रहे एक ही हैं। चीज़ है, एक ही बात है, मुझे विंडोज का पासवर्ड अचानक मैं भूल गया। कंट्रोल ऑल्टर इंसर्ट, पासवर्ड याद नहीं आ रहा, अब ये मुझे याद करना पड़ेगा मैंने कहाँ पे था तो मैंने बनाया था। WIN2019। नहीं, क्या कोई सिस्टम होता है इसका पासवर्ड मालूम करने का? कैपिटल ABC123+। ऑन वायर 123, कैपिटल पी एट द रेट डॉलर डॉलर W0RD123, कैपिटल पी एट द रेट डॉलर डॉलर W0RD123। टाइगर वुड्स भी ट्राई करी। नहीं यार, हाँ तो क्या हुआ? आपकी सारी IDs के पासवर्ड होते हैं। नहीं यार, ट्राई करते हैं। किसने कहा था कि नहीं, शायद नहीं लगेगा ये। खैर, जब तक मुझे पासवर्ड याद नहीं होता, एक ऑप्शन है मेरे पास। मेरे पास ये मशीन का ना स्नैपशॉट है जिसमें AD सेटअप हुई हुई है, पहले उसका पासवर्ड देखता हूँ। अगर उसका पासवर्ड लग गया तो फिर मुझे याद आ जाएगा। इतने में अपना दूसरा काम कर लेता हूँ। ऑप्शन होता है कोई पासवर्ड का विंडोज में ख़त्म करने का? यार ये बड़ा मसला है यार। चलो खैर, पासवर्ड याद आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, मुझे क्या रखा था मैंने, कब क्रिएट की थी, पहले ये देख लूँ मशीन कब बनी थी। मशीन कब बनी थी उससे पता चल जाएगा उस जमाने में मेरी कौन सी ट्रेनिंग चल रही थी। यही वाली मशीन है ना, 31/8। 31/8 का मतलब है कि 31/8 का मतलब है कि अगस्त अगस्त PPL की ट्रेनिंग थी। सी में गया, ट्रेनिंग में गया, PPL की ट्रेनिंग में गया, पासवर्ड नहीं रखा हुआ है। पता नहीं पासवर्ड मैंने मुंह से बोला भी हो या नहीं बोला हो। नए महीने की है, ये सितंबर की है। छोड़ो यार, कुछ और करते हैं, उसका सोचते हैं अभी। मैं गया हूँ अपनी मशीन पे, और उस मशीन पे जाके, ये एक लिनक्स ही की मशीन है, और इस मशीन पे मैंने जाके लॉगिन किया है सिस्टम पे। उसने कहा एक पप्पू के नाम से एक यूजर बना हुआ है, एक सलमान के नाम से बना हुआ है, तो मैंने कहा इसको नॉट लिस्टेड में ले जाओ, नॉट लिस्टेड, और यूजर का नाम है रूट, और उसका पासवर्ड मैंने डाल दिया ABC123। उसने मुझे लॉगिन कर दिया। अच्छा, वैसे ये मशीन जो है ना, मैं अगेन बता दूं आपको, आमतौर पे मैं करता क्या हूं, मशीन मेरे पास ये भी LDAP सर्वर सेटअप हुआ हुआ है। अगर मैं स्नैपशॉट में जाऊं, स्नैपशॉट मैनेजर में जाऊं, तो आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि इसके अंदर LDAP सर्वर सेटअप हुआ हुआ है, मास्टर सेटअप हुआ हुआ है, LDAP सांबा के साथ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी सेटअप हुआ हुआ है, लेकिन मैंने इसको फ्रेश इंस्टॉल के ऊपर लाके जो है वो छोड़ दिया है, और इसे मुझे LDAP बनाना है। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी को LDAP बनाता हूँ, उस वक्त भी कुछ काम ऐसे हैं, या जब भी मैं कभी लिनक्स के किसी सर्वर के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करूंगा सर्वर वाली, तो उसमें कुछ काम ऐसे हैं जो मैं जरूर करूंगा। सूसे को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया इस काम के लिए कि ये आपको हर काम GUI अलाउ करता है, इसमें हर चीज का GUI होता है, और लिनक्स की कोई दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट से इतना करीब हो सर्वर साइड पे।
मैं अपनी मशीन पे आ गया और मशीन पे आने के बाद मैं एप्लीकेशन में गया। एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है मेरे पास सिस्टम टूल्स का, मैं वहां गया और वहां पर एक ऑप्शन है यास्ट का, मैं उस यास्ट के ऑप्शन में चला गया। यास्ट, यास्ट ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कंट्रोल पैनल, या यास्ट ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर वाली विंडोज सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर मैनेजर। ये सारे काम कंट्रोल पैनल वाले भी करता है और ये काम जो है वो सर्वर मैनेजर वाले भी करता है। तो वैसे इसके अंदर एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे, सिस्टम टूल में जाएंगे, तो एक सेटिंग्स के नाम से भी ऑप्शन होता है जिसमें कुछ कंट्रोल पैनल के ऑप्शन होते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये यास्ट जो है वो ऐसे काम कर रहा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर मैनेजर है। इस सर्वर मैनेजर में चला गया और यहां पे मैंने ऑप्शन लिखा है नेटवर्क का, तो नेटवर्क की सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज सर्वर में भी ये ऑप्शन होता है कि आप नेटवर्क की आईपी वगैरह की सेटिंग उसके उससे कर सकें फर्स्ट स्क्रीन से। मैं नेटवर्क सेटिंग्स में चला गया, नेटवर्क सेटिंग्स के ऑप्शन में मुझे आईपी एड्रेस सेट करना है, क्योंकि सेम ही नेटवर्क पे होंगे इसलिए गेटवे की डीएनएस वगैरह की जरूरत नहीं है। मशीन का नाम और मशीन का आईपी एड्रेस, ये दो काम है जो मैं यहां से सेट कर सकता हूं, इसमें स्टैटिक आईपी और होस्ट नेम। इसका जो इस वक्त आईपी है वो डीएचसीपी है, जाहिर है इसके ऊपर एक सर्वर बना रहा हूं तो उसका आईपी स्टैटिक होना चाहिए। मैंने उसे यहां से एडिट किया, एडिट करने के बाद एक आईपी एड्रेस सेट कर दिया इसके ऊपर 192.168.40.200, ये इसका आईपी सेट किया है। सबनेट मास्क इसके ऊपर सेट कर दिया 255.255.255.0/24 भी लिख सकता था। इस मशीन का नाम मैंने रखा है ldap.onwire.lablab, मैं कुछ भी रख सकता हूं नाम। मशीन का नाम हमेशा इसी तरह से होता है, जब भी कहा जाए कि मशीन का होस्ट नेम बताएं तो मैं मशीन का होस्ट नेम इस तरह से सेट करता हूं। ये वो पहला काम है जो मैंने इसमें किया है, आईपी एड्रेस सेट किया और मशीन का नाम सेट कर दिया। इसको जस्ट मैंने नेक्स्ट किया है, उसने मुझे मैसेज दिया है डुप्लीकेट आईपी एड्रेस डिटेक्टेड रियली कंटिन्यू। मैंने कहा नो, हो सकता है कि मेरी जो विंडोज की मशीन है उसका आईपी एड्रेस ये हो, तो मैंने इसका आईपी एड्रेस कर दिया 100 और जस्ट नेक्स्ट कर दिया। जाहिर है आपको मालूम है जब एक ही मशीन के ऊपर, जब दो मशीनों के ऊपर सेम आईपी एड्रेस आप डालेंगे तो वो आपको कन्फ्लिक्ट का मैसेज देता है, चाहे विंडोज हो या लिनक्स हो। तो मैंने ये काम कर दिया और करने के बाद दूसरा ऑप्शन और है इसमें होस्ट नेम और डीएनएस का, इसके बराबर वाला टैब है, वहां चला गया। वहां पे मैं मशीन का नाम दे रहा हूं LDAP और डोमेन का नाम दे रहा हूं onwire.lab। एक और ऑप्शन है, एक जगह पे डोमेन सर्च की बात कर रहा है, मैंने वहां पे भी जरूरत है तो दे दूं वरना छोड़ दिया। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है यहां देना, मशीन का होस्ट नेम ये है और मशीन का डोमेन नेम ये है, ये एंट्री यहां पे की है। अगर डीएनएस डालना होगा नेम सर्वर 123 तो यहां डालूंगा, अगर गेटवे डालना होगा तो राउटिंग का ऑप्शन है यहां पे डालूंगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे होस्ट नेम और डोमेन नेम दिया है और ओवरव्यू के अंदर मैंने आके उसका आईपी एड्रेस सेट किया है। और ये काम करने के बाद जस्ट मैंने ओके कर दिया। तो इससे मेरे, चूंकि मैं जीयूआई से कर रहा हूँ, इससे मेरे तीन काम हो गए। वो तीन काम कौन कौन से हैं, एक तो मेरा आईपी एड्रेस सेट हो गया, ये मैं आपको टर्मिनल पे जाके दिखाता हूँ, वेरीफाई करवा रहा हूँ टर्मिनल पे जाके। आईपी एड्रेस शो, मेरा आईपी एड्रेस शो करो, तो उसने मुझे बताया कि आपका आईपी एड्रेस है 192.168.40.100। अगर मैं स्टैटिक करने से पहले देखता तो यहां पे लिखा हुआ आता डायनामिक, क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक कर दिया इसलिए नॉर्मल इस तरह से आ रहा है। एक चीज, मशीन का नाम चेक करना है तो मशीन का नाम चेक करने की कमांड है होस्ट नेम, फिर मशीन का डोमेन चेक करने की कमांड है होस्ट नेम माइनस डी, और फिर मशीन का फुल नेम चेक करने की कमांड है होस्ट नेम माइनस एफ। तो इसने तीनों कमांड्स का रिजल्ट मुझे बिल्कुल सही दे दिया। इसका मतलब है, और ये जरूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कुछ चीजों में, कुछ सर्विसेज में प्रॉब्लम होती है। सवाल,
और फिर आपने जब उसने मेरे वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था वहाँ पे रीराइट किया दोबारा जब उसको अप्लाई कर दिया था एड्रेस पे तो नेम चेंज होना चाहिए था बताता हूँ मैंने आईपी चेक की आईपी चेक हो गई होस्ट नेम चेक किया उसने होस्ट नेम भी बता दिया डोमेन और फुली क्वालिफाइड नेम चेक किया उसने वो भी बता दिया और तीसरा काम जो इसने किया है वो क्या किया है इन्होंने सवाल भी किया है वो मैं आपको वो फाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ सीएटी कैट ईटीसी एचओएसटीएस होस्ट ये लिनक्स में लोकल रिजॉल्वर होती है ये माइक्रोसॉफ्ट में भी लोकल रिजॉल्वर होती है और लिनक्स में भी कैट ईटीसी होस्ट जब मैंने इसके ऊपर इंटर किया तो इसका रिजल्ट आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है सबसे लास्ट में ये एंट्री कर दी है उसने वो जो मैंने स्क्रीन थी ना जहां पे मैंने लिखा था कि आईपी एड्रेस दिया था उसके आगे मशीन का नाम दिया था होस्ट नेम तो उसने वो आईपी एड्रेस वहां से उठाया यहां डाल दिया और मशीन का नाम उठाया यहां डाल दिया फिर मैं अगले वाले कॉलम में गया और मैंने वहां पे मशीन का नाम होस्ट नेम और डोमेन का नाम डाला अलग अलग तो उसकी वजह से वो जो हमारी एंट्री सही आ रही थी वो आ रही है और इसकी वजह से क्या होगा ये जो इसने एंट्री कर दी कि अगर आप अपनी मशीन को लोकल रिजॉल्वर है अगर आप अपनी मशीन को पिंग करेंगे एलडेप के नाम से तो वो आपको आपकी आईपी से पिंग करेगा और अगर आप अपनी मशीन को ldap.onwire.lab के नाम से पिंग करेंगे तब भी वो आपको पिंग कर रहा होगा तो इसका ये फायदा है कि आपको सिंगल नेम से भी और फुली क्वालिफाइड नेम से भी आपकी सर्विस जो भी इसके ऊपर बनेगी वो चलेगी जी भाई बिल्कुल वही है बिल्कुल वही है चूंकि ये जी वाई है इसने ये काम खुद से कर दिया जब मैं ये काम रेडिट पे करूंगा तो रेडिट पे आईपी एड्रेस अलग दूंगा कमांड लाइन रेडिट के ऊपर जो है वो होस्ट नेम अलग दूंगा और ये दोनों देने के बाद फिर मुझे ईटीसी होस्ट की फाइल में आना पड़ेगा ये जिसकी मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें आना पड़ेगा लोकल रिजॉल्वर में और मैन्युअली मुझे ये लिखना पड़ेगा उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो ऑटोमेट कर दे ये तो सूसे है जीवाई है इसमें आप हर काम जीवाई से करते हैं वो पीछे बैकएंड में जाके फाइलों में माइक्रोसॉफ्ट की तरह रख देता है तो इससे हमें पता नहीं चलता कि कौन सा काम कब हमें करना होता है तो रेडिट का ये फायदा है कि उसमें जो भी काम आप करेंगे आपको पता होता है कि मैंने कहाँ पे जाके क्या किया है वो आपको इस तरह नहीं करता इसका एडवांटेज ये है कि आपको जीवाई मिल जाता है तो ऊपर के जो तीन काम है ना 1, 2, 3 मैंने उसको पॉइंट नंबर 3 डाला नहीं था स्टैटिक आईपी का होस्ट नेम का और लोकल रिजॉल्वर का काम ये सारे मैंने यास्ट के अंदर जाके वो जो नेटवर्क का टैब था नेटवर्क सेटिंग का वहां इस एक टूल से मैंने कर दिया जी डीएनएस मतलब लोकल रिजॉल्वर है ना लोकल रिजॉल्वर ये एंट्री की है ना मैंने ईटीसी होस्ट में हाँ देखो एक इसी मशीन में ना ये मैंने आईपी यहाँ डाल दी तो मैंने कब का डीएनएस सर्वर बनाया आपके पास नेम रिजॉल्व करने के दो मेथड होते हैं नेम रिजॉल्व करने के एक होता है लोकल रिजॉल्वर और एक होता है नेम सर्वर एक होता है डीएनएस सर्वर और एक होता है ईटीसी होस्ट की फाइल तो हमने ईटीसी होस्ट की फाइल के अंदर ये एंट्री कर दी है जी विंडोज के डीएनएस सर्वर से भी नेम रिजॉल्व करवा सकता है वो वही प्रोसीजर एडी ज्वाइन करवाए और जब ऑन करेंगे सही है बात समझ में आ गई आगे बढ़ो कंफ्यूजन क्या चीज किस चीज की कंफ्यूजन है पूछें सर विंडोज में तो हम ये करते थे कि एक डीएनएस हमारा बना हुआ था उसके अंदर मतलब जो दिया जिस तरह आपने यहाँ एंट्री दी है हम वहाँ करते थे क्यों करते थे वहाँ पे सर इसलिए कि वो नेटवर्क के ऊपर यही चल रहा था तो मैंने वहाँ हमने तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर बनाया है ना हम तो ये चाहते हैं कि हमारी अपनी मशीन आईपी से भी पिंग हो और नाम से भी पिंग हो हमारी अपनी मशीन पिंग करें हम उसे किससे एलडेप के नाम से भी तो भी पिंग हो और हमारी अपनी मशीन जब हम
पिंग करें आईपी से 192.168.40.100 से तो भी पिंग हो। तो हमने जब भी आप चाहते हैं, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि मेरी मशीन नाम से भी पिंग हो और आईपी से भी, तो आप ईटीसी होस्ट के अंदर जाते हैं और वहां पे जाके एक एंट्री कर देते हैं, ये वाली एंट्री। जब आपके पास डीएनएस नहीं होता तो ये वो फाइल होती है विंडोज में भी और लिनक्स में भी कि जिसके अंदर जाके आप ये एंट्री करते हैं तो वो नेम रिजॉल्व करना शुरू कर देती है। अब मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, मैं ये चाहता हूं कि मेरी मशीन, मेरी ये विंडोज की मशीन, जब मैं सीएमडी पे जाऊं, जब मैं सीएमडी पे जाऊं और मेरे पास, मैं चाहता हूं ये फेसबुक को पिंग करे, अब मेरे पास डीएनएस अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं जब मैं लिखूं यहां पे facebook.com, तो यहां पे facebook.com में जो आईपी आ रही है, जैसे उसने आईपी बता दी और पिंग भी करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास डीएनएस था। अगर मेरे पास डीएनएस नहीं होता और मैं चाहता कि facebook.com पे मैं जाऊं तो मैं क्या करता, इसकी आईपी लेता और अपनी ईटीसी होस्ट में डाल देता, ये फिर पिंग करना शुरू कर देता। पता नहीं आपको याद हो नहीं याद हो, हम एक जमाने में करते ये थे कि हमने, वो जाहिर है वो पुराना जमाना था, 10 साल पुरानी बात है, 12 साल पुरानी, हमने क्या किया, हर विंडोज की मशीन में 70-80 यूजर थे, उन सब यूजर्स की ईटीसी होस्ट में गए और facebook.com के आगे आईपी लिख दिया 127.0.0.1। तो हमारे यूजर जब भी फेसबुक पे जाते थे, पहले होता है लोकल रिजॉल्वर, बाद में जाती है रिक्वेस्ट डीएनएस पे, तो लोकल रिजॉल्वर जो है ना उसको 127.0.0.1 की आईपी देता और उसके ऊपर तो वेबसाइट चली नहीं रही होती थी, तो वो फेसबुक उनके पास चलती नहीं थी। तो इस तरह हमने फेसबुक और यूट्यूब जो है वो उसके उसके ऊपर से बंद कर रखी थी बाद में, तो फिर समझ गया ना। हाँ, तो ये एक ब्लॉक करने का तरीका होता था कि यार ये ट्रैफिक जो है ना हमारे स्क्विड के गेटवे पे, लिनक्स के प्रॉक्सी सर्वर पे आए नहीं, वो वहीं से वहीं जो है ना, तो क्योंकि उसको जब आईपी नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएनएस का काम आईपी देना होता है ना, आईपी नहीं मिलेगी तो जाहिर है कहाँ जाएगा। बहरहाल मैं वापस जा रहा हूँ अपने पॉइंट की तरफ, और मैंने उसको जो है वो एक काम कर दिया है भाई, अब दूसरा काम करने जा रहा हूं, वो क्या है, इसी में गया, फायरवॉल चेक करनी है, फायरवॉल का क्या स्टेटस है। मैं चाहता हूं भाई फायरवॉल मेरी बंद हो, अभी मुझे अभी फायरवॉल का कुछ पता नहीं है। फायरवॉल पे क्लिक की तो उसने खुद से ही कह दिया कि आपकी फायरवॉल जो है वो डिसेबल है और स्टॉप है, अगर आप स्टार्ट और इनेबल करना चाहो तो कर लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। और एक और चीज, ये चूंकि सूसे लिनक्स है तो सूसे लिनक्स में क्या एससी लिनक्स होती है, इसमें नहीं होती, रेड हैट में होती है। सूसे में क्या होता है, एप्लीकेशन आर्मर APPAR, वो भी नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर ये दोनों चीजें हमने एससी फायरवॉल तो हमने पहले से ही स्टॉप कर रखी है, उसको स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमने इंस्टॉल ही नहीं किया, ये इंस्टॉल ही नहीं है। अगर इंस्टॉल होता डिफॉल्ट, हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन उसको खत्म, उसको अनचेक कर दिया होगा, अगर इंस्टॉल होता तो एप्लीकेशन आर्मर आ रहा होता। सूसे लिनक्स में, रेड हैट में एससी लिनक्स को अनइंस्टॉल करने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, तो वो तो लाजमी इंस्टॉल होती है। सूसे में ये ऑप्शन था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कि अगर आप चाहते हैं कि आप उसको रिमूव कर दें, उसको अनइंस्टॉल, उसको इंस्टॉल ना करें, तो वो ऑप्शन था, हमने उस ऑप्शन को यूज करते हुए जब हम मशीन बना रहे होंगे तो अनचेक कर दिया होगा, इसलिए जो है वो। अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपने काम की तरफ जा रहा हूं। ये काम क्यों किए थे हमने, ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, कौन से वाले ये काम हम क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी इस मशीन को, जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूं, इसको मैं चाहता हूं सर्वर बनाना, सर्वर ऑथेंटिकेशन सर्वर बनाना, कौन सा सर्वर, एलडेप सर्वर बनाना। जब ओपन एलडेप सर्वर बन जाएगा तो ये ऑथेंटिकेशन का काम कर सकेगा। यूजर मैं यहां पे क्रिएट करूंगा और रेड हैट की मशीन को इसका मेंबर बनाऊंगा, क्लाइंट बनाऊंगा, इसको ज्वाइन कराऊंगा ताकि ये ऑथेंटिकेशन कर सके सेंट्रलाइज्ड। जब मैं इस सर्वर को सेटअप करने जा रहा हूं तो उससे पहले मुझे आईपी स्टेटिक करनी है, क्योंकि ये सर्वर है, इसका मशीन का नाम प्रॉपर सेट करना है, इसका लोकल रिजॉल्वर सेट करना है, अगर डीएनएस है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसकी फायरवॉल का स्टेटस चेक करना है, फायरवॉल क्या है, मैंने उसको स्टॉप कर दिया, और इसकी सिक्योरिटी का जो एससी लिनक्स या एप्लीकेशन आर्मर
जो भी इसमें मौजूद हो उसको देखना है, उसको भी डिसेबल करना है। किस लिए कि इस सर्वर के अंदर किसी किस्म की कोई कनेक्टिविटी का और सिक्योरिटी का कोई इश्यू ना हो। तो ये करते हुए मैंने ये काम कर दिया। अगर मुझे फायरवॉल इनेबल रखनी है तो मैं फायरवॉल को इनेबल रख सकता हूँ, लेकिन जब ये सर्वर सेटअप हो जाएगा तो मुझे पता होना चाहिए कि सर्वर के लिए कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन होनी चाहिए, वो फिर मुझे फायरवॉल ऑन करना पड़ेगी। अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ ऑथेंटिकेशन सर्वर सेटअप करने। ये अगर आप देखें तो ये ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन सर्वर का, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क सर्विसेज में, ये सारे सर्वर यहाँ पे बने हुए आ रहे हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उस सर्वर को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मैंने भी क्लिक किया और ये जो है वो लिनक्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो विंडोज की एक्टिव डायरेक्टरी को ज्वाइन करने के लिए भी, अभी हम रेडिट में जाएंगे देखेंगे, कमांड चलाना पड़ेगी। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसको अगर रेडिट की इस सूसे की मशीन को अगर एडी ज्वाइन करना है तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करो। विंडोज के डोमेन मेंबरशिप के लिए क्लिक करो, डोमेन का नाम डालो, एंटर करो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, डोमेन ज्वाइन। इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो इसीलिए पॉपुलर है इंटरप्राइज साइड में कि उसने सारे ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं। बहरहाल मैं गया हूं ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, मैंने क्लिक किया है ऑथेंटिकेशन सर्वर। उसने कहा ऑथेंटिकेशन सर्वर में LDAP का पैकेज होना चाहिए और Kerberos का पैकेज होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल कर दो। ये पैकेज होने चाहिए GUI है। कमांड लाइन में आप देखिएगा कितनी जो है ना चीजें करना पड़ती हैं रेडिट में। हमने सिर्फ बोला इंस्टॉल कर दो, ये खुद ही इंस्टॉल कर देगा, बस DVD पीछे लगी हुई होनी चाहिए। पैकेज इंस्टॉल करके अब कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। वहां अगर ये काम करते सारा तो एक फाइल में 15 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, एक में जो है वो 10 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, एक में जो है वो 6-7 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद यूजर्स की भी 10-10 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, जितने यूजर ग्रुप बनाना पड़ते। लेकिन यहां पर मैं आया हूं और उसने कहा कि इसकी सर्विस का स्टेटस क्या होगा, स्टार्ट होगी, स्टार्ट नहीं होगी, या एक ऑप्शन है अगर स्टार्ट होगी तो इसमें एक ऑप्शन है रजिस्टर एट एन SLP डेमन, क्या होता है ये बताता हूं। मैंने कहा सर्विस तो जाहिर है मैं स्टार्ट ही रखूंगा। फायरवॉल की सेटिंग क्या है, चूंकि ये GUI है इसमें रूल लिखना नहीं पड़ेंगे, सिर्फ आपने अगर फायरवॉल इनेबल होती तो आप उसको बोलते ओपन पोर्ट इन फायरवॉल, सिर्फ ये चेक लगाते वो फायरवॉल में जितनी भी पोर्ट्स ओपन करनी थी वो खुद ही कर देता, आपको नहीं करना पड़ती। रेड हैट में आप जो भी सर्विस इंस्टॉल करेंगे सर्वर वाले पोर्शन में, उसमें आपको हर सर्विस की सेपरेट पोर्ट्स जो है वो रूल बनाना पड़ेंगे। मैंने उसे यस किया, नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया। लेकिन नेक्स्ट करके आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये विंडोज 7 का क्लाइंट है, कभी किसी ने विंडोज 7 का क्लाइंट एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन किया है? बोले हाँ मैंने किया है। सोच लो एडी बना हुआ है कहीं पे, किसी भी पप्पू ने बनाई है, हमें दे दिया बॉस ने, बोला ये विंडोज 7 है इसको जरा एडी से ज्वाइन तो करो। क्या क्या करना पड़ता है? माई कंप्यूटर राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टी में गया, वहां पे जाके डोमेन नेम में डाल दिया, फर्ज करें मैंने डाल दिया मेरे डोमेन का नाम है pappu.com, मैंने डाल दिया। और इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है? उसके बाद एंटर करते हैं वो खुद ID और पासवर्ड मांगता है, यूजर ID और पासवर्ड बस। लेकिन सबनेट सेम होना चाहिए। हाँ चले सबनेट भी सेम है, हमने बोल दिया बस, और तो कुछ नहीं करना पड़ता। सोच लो इन्होंने कहा DNS में पहले एंट्री करना पड़ती है। DNS में क्या एंट्री करना पड़ती है? DNS सर्वर में IP। हाँ इसने बोला इस मशीन के अंदर जहाँ पे DNS का ऑप्शन होता है वहाँ पे AD की IP डालना पड़ती है, ये इसने बोला। सही क्या ना भैया, वो नेटवर्क कार्ड डालना पड़ती है, अगर नहीं डालो तो भी ज्वाइन हो जाएगा ना। सर ये सिंपल तरीके से हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, किसी की जरूरत भी नहीं है। अगर ये नहीं डाले तो
नहीं डाले तो सर वो तो खुद एंट्री बनाता है वहाँ पे सर्वर डीएनएस जहाँ पे। अगर मैं ये नहीं डालू तो एंट्री जो डोमेन ज्वाइन हो जाएगा ना, हो जाएगा। कौन बोल रहा है नहीं होगा? अगर डीएनएस आपके जो क्लाइंट हम विंडोज 7 की मशीन ज्वाइन करवा रहे हैं उस पे डीएनएस सेट ही नहीं हुआ होगा, कोई एपी डली भी नहीं, तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा एडी से, तो नहीं करेगा डालने की जरूरत है या नहीं है? तुम्हारे पे असर आ गया इसका, चेंज करो अपनी। कभी किया है? बोला मैंने किया ही नहीं है। हाँ भाई किया कभी? तो क्या होता है डीएनएस की एंट्री डालना पड़ती है, पर अगर नहीं डालो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इससे यार मैं तो डोमेन दे रहा हूँ, मैं कोई आईपी दे रहा थोड़ी दे रहा हूँ जो कम्युनिकेट करेगा, मैं सर्वर का नाम थोड़ी दे रहा हूँ जो कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये अपना नेम और आईपी दोनों जानता है ना, हम नेम डाले आईपी डाले वो तो कम्युनिकेट करेगा, और आप कह रहे हैं नेटवर्क भी सेम हो, बराबर भी है, बराबर भी तो रखा हुआ है, क्यों नहीं करेगा? तो डीएनएस देने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है डीएनएस देने की। हाँ भाई नहीं देंगे, डीएनएस नहीं देंगे ना। हाँ भाई देने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा सवाल नहीं करो। एक जमाने में ऐसा होता था कि एक सर्विस चलती थी, उसका नाम था SLP, सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल, सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल SLP। क्या होता था कि मेरे पास एक सर्वर होता था, मैं उस सर्वर के पास जाता था और सर्वर से जाके पूछता था, सर्वर हमारे यहाँ FTP सर्वर कहाँ चल रहा है? वो बताता था FTP सर्वर की IP है, और हमें FTP सर्वर की IP पता चल जाती थी। हम जाते थे SLP के पास और सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल के पास, और उससे पूछते थे कि यार हमें बताओ LDAP सर्वर कहाँ चल रहा है, वो हमें बताता था, और उसके बाद हम उस LDAP सर्वर तक जाते थे। हमें किसी भी सर्विस की जरूरत पड़ती थी तो हम पहले SLP के पास जाते थे, SLP बताता था कि ये सर्विस कहाँ चल रही है, फाइल सर्वर कौन सा है, उसकी IP क्या है। ये खत्म हो गया, SLP का जमाना गुजर गया। यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है कि अगर आपको अपने इस सर्वर को SLP के अंदर रजिस्टर कराना है, अगर आपको कराना है तो आप चेक लगा दें। इसका मतलब ये है कि मेरे क्लाइंट डायरेक्ट इस सर्वर के पास नहीं जाएंगे, मुझे इसका IP नहीं पता, बल्कि मेरा क्लाइंट जाएगा SLP सर्वर के पास, और SLP सर्वर जो है वो बताएगा कि LDAP सर्वर कौन सा वाला है, उसकी IP क्या है, वो रिडायरेक्ट करेगा। ये जमाना गुजर गया, खत्म हो गया। अब क्या आ गया है? अब आ गया है DNS, और DNS के अंदर एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम कहते हैं SRV रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी मशीन को, किसी भी क्लाइंट को AD से डोमेन ज्वाइन कराना चाहते हैं, मैं दोबारा रिपीट किया मैंने कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये मशीन एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन कर ले जो विंडोज की मशीन है, अगर मैं ये चाहता हूं मेरी ये मशीन AD ज्वाइन कर ले जो लिनक्स की मशीन है, मेरी ये मशीन जो मैक की मशीन है, और मैं चाहता हूं वो भी AD ज्वाइन कर ले, तो मुझे लाजमी DNS सर्वर का IP देना होगा। अगर मैं ये नहीं दूंगा तो ये AD ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। आप करके देख लीजिएगा, विंडोज तो विंडोज है, मैं अभी लिनक्स को बगैर DNS के अगर डालूंगा तो मुझे एरर दे देगी कि मुझे मिल ही नहीं रहा तुम्हारा AD कहाँ है, जबकि बराबर वाली मशीन पे AD बना हुआ होगा। DNS के अंदर एक रिकॉर्ड होता है, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं SRV रिकॉर्ड। ये एक रिकॉर्ड बनता है, और हमारा सिस्टम क्या करता है, हमने DNS सेट किया हुआ यहाँ पे, pappu.com का नाम लिया, ये इसके पास गया, इसने बोला pappu.com कौन सा है, उसने उसको यहाँ पहुंचा दिया। जब वो DNS पे पहुंच गया तो वहां पे वो SRV रिकॉर्ड चेक करता है, और उससे इसको पता चलता है कि डायरेक्टरी सर्विस क्या इस पे चल रही है,
अगर इस पर चल रही होगी तो वो यहाँ पे डायरेक्टरी सर्विस पे आपको जो है वो ज्वाइन करा देगा। अगर मैं ये एक्टिव डायरेक्टरी में ये एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, अगर ये एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट कर दूं तो आपकी मशीन, एक भी मशीन आपकी लॉगिन नहीं कर सकेगी, लॉगिन करना ही बंद हो जाएगी मशीन। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट कर दें या मैं आपको करके दिखा दूंगा, मशीन लॉगिन करना बंद कर देगी। या हो सकता है मैं एसआरवी रिकॉर्ड डिलीट करूं तो मशीन लॉगिन होती रहे और फिर 5 दिन के बाद मशीन लॉगिन करना बंद कर दे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट में यह ऑप्शन होता है ऑफलाइन कैशिंग का, ऑप्शन होता है ना ऑफलाइन कैशे। आप बोलेंगे ऑफलाइन कैशे क्या होता है, तो ऑफलाइन कैशे ये होता है कि मैं अपने ऑफिस आया, मैंने लैपटॉप जो है वो अपना लैपटॉप ऑन किया, नेटवर्क की केबल लगाई, लैपटॉप ऑन किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो वाला जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे दिया हुआ ADK वो डाला, मेरा मशीन लॉगिन हो गई। अब वो जो मशीन, मैं बीमार हो गया, लैपटॉप जो है ना घर ले गया, लंबा बीमार हुआ ना, 32 दिन के बाद जो है वो मैं दोबारा ऑफिस आया, ऑफिस आके मैंने लैपटॉप लगाया, ऑफिस आने से पहले मैं घर पे था, मैंने कहा चलो लैपटॉप खोल के देख तो लूं ईमेल कितनी आएंगी। अब तो मुझे ऑफिस आना है ना, पहले से ईमेल देखने के लिए मैंने लैपटॉप खोला, यूजर नेम डाल रहा हूं, पासवर्ड डाल रहा हूं, तो लॉगिन नहीं हो रहा। मैंने अपने ADK एडमिनिस्ट्रेटर को फोन किया, मैंने कहा काशिफ भाई लॉगिन नहीं हो रहा मेरा सिस्टम यार, कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, मैंने सोचा देख लूं चीजें। तो काशिफ भाई कहने लगे भाई आपकी 30 दिन हो गए ना, तो 30 दिन में ऑफलाइन कैशे का ऑप्शन होता है, ये पासवर्ड अपने पास रखता है, 30 दिन तक अगर आप सर्वर से कॉन्टेक्ट ना करें, जो भी आपने टाइम सेट किया हुआ है 5 दिन 15 दिन 20 दिन, तो जब सर्वर से कॉन्टेक्ट ना हो तो इसकी कैशे एक्सपायर हो जाती है और ये लॉगिन फिर नहीं करता। तो अब जब आप ऑफिस आओगे, केबल लगाओगे, सर्वर मिलेगा, तभी लॉगिन होगा, क्योंकि इसकी कैशे एक्सपायर हो गई है। तो बहरहाल मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी है कि मैं इस मशीन के ऊपर क्या कर रहा हूं, मैंने SLP डेमन वाला ऑप्शन अनचेक कर दिया, मुझे इसमें इसकी जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट कर दिया। SLP और DNS के अंदर SRV रिकॉर्ड, ये वो दो चीजें हैं, ये तो ऑब्सोलीट हो गया, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन DNS के अंदर SRV रिकॉर्ड है, अगर ये रिकॉर्ड नहीं बना हुआ होगा तो आपकी विंडोज का क्लाइंट कभी भी डोमेन ज्वाइन नहीं कर सकता, और अगर आप IP नहीं डालेंगे तो भी नहीं कर सकता, IP डाल दी लेकिन रिकॉर्ड नहीं है तो भी नहीं कर सकता। कहां पे होता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। मैंने नेक्स्ट किया, उसने मुझे ऑप्शन दिया और वो ऑप्शन ये है कि इस सर्वर को अकेला बनाना है या ये मास्टर है इसका रेप्लिका बनेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में होता है ऑप्शन होता है DC का, ADC का, RODC का। तो ये मुझसे पूछ रहा है तुम्हें क्या बनाना है, तो मैंने इसको बोला स्टैंड अलॉन बना दो, मुझे इसके अंदर कोई मास्टर स्लेव तो बनाना नहीं है। अगर मेरे पास दो मशीनें होती तो मैं एक को बना लेता मास्टर और दूसरे को बना देता रेप्लिका, उससे फायदा यह होता कि अगर मेरा मास्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो मेरा रेप्लिका जो है ना वो मास्टर वाला काम कर रहा होता, और जो भी मैं इसमें रिकॉर्ड बनाता वो रिकॉर्ड जो है ना फौरन इसमें जाके सेव हो जाता, जैसा ADK में होता है कि आप एक DC में गए और आपने वहां पे कोई यूजर ऐड किया और फौरन आप दूसरे में गए जाके देखा तो उसने कहा कि भाई ये तो यहां पे आ गया है, ऐसे ही होता है ना। तो मैंने स्टैंड अलॉन कर दिया इसको, अकेला ही सर्वर है ये, जब दिल चाहे कर सकते हैं यार, मैं नो कर दूंगा तो इसका क्या मतलब है, सवाल ये थोड़ी होना चाहिए। खैर लेकिन कोई बात नहीं, इसने सवाल किया कि बाद में मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि मास्टर बना लूं, तो बना सकते हैं लेकिन फिर उसके लिए चूंकि ये GUI कन्फिगर हो चुका होगा कमांड लाइन जाना पड़ेगा। इसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि जो तुम्हारे क्लाइंट हैं और जो तुम्हारा सर्वर है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो वो जो कम्युनिकेशन की लेयर हो वो सिक्योर हो, TLS कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो क्या उसको इनेबल करना है। मैंने कहा अगर मैं उसको इनेबल करूंगा तो तुम मुझसे फिर वो GoDaddy के सर्टिफिकेट मांगोगे, ठीक है, तो मैं इसको तो मेरे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं तो मैं इनेबल तो नहीं कर रहा। अगर वो कहते हैं GoDaddy के नहीं डालो, अपने डैडी के डाल दो तो फिर आपको जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में होता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, तो फिर आपको CA बनाना पड़ेगा पूरा,
तो मैंने कहा नहीं इसको छोड़ दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि जो रिमोटली कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए फिर मैंडेटरी है। और अगर आप चाहते हैं सिक्योर भी हो एनवायरनमेंट, यूजर नेम और पासवर्ड जो क्लाइंट से सर्वर के पास आ रहे हैं वो इनक्रिप्टेड चैनल में हो, कोई उस पाइप में जो है वो कान लगा के सुन ना ले, देख ना ले आंख लगा के, तो आपको टीएलएस बेस्ड करना पड़ेगा। मैंने उसको हटा दिया फिलहाल ऑप्शन और नेक्स्ट कर दिया। फिर उसने मुझसे एक बात पूछी, लिनक्स है ना ये इसलिए पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में चॉइस ही नहीं होती, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के तो शायद ही किसी को ये पता हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए डेटाबेस यूज करता है उसका नाम क्या है। ये लिनक्स है, ये पूछ रहा है कि मेरे पास तीन डेटाबेस हैं, एक का नाम है एचडीबी, एक का नाम है बीडीबी और एक का नाम है एमडीबी, तो अब मुझे तो पता नहीं है कि क्या होता है ये, और मुझे इतना शौक भी नहीं है इसको जानने का। तो मैंने ये सोचा पहले आया होगा बीडीबी, फिर आया होगा एचडीबी, तो सबसे अच्छा जो है ना वो ये होगा, मैंने इसलिए ऐसा कर दिया। हम लोग आमतौर पर इस तरह चल रहे होते हैं, या हम इस तरह चल रहे होते हैं कि हमारे सर ने कहा भाई ये करना है तो हमने भी वही कर दिया। तो मैंने चेक कर लिया, अभी मुझे फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए चूंकि मैंने अपनी मशीन का नाम वहां पे डोमेन सेट किया था इसलिए ऑटोमेटिकली उसने ये चीज यहां से उठा ली। अगर मैंने वहां पे सेट नहीं किया होता तो ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा होता, यहां पर ये ऐसा नहीं आ रहा होता, मेरी मशीन का नाम कुछ और होता, मेरे डोमेन का नाम कुछ और होता, और बाद में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम करती, तो ये उसने मुझे खुद से उठा लिया। इस मशीन का जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो डीएन होगा, जिसके पास सारे राइट्स होंगे मैनेजमेंट करने के, या जिसको आप कह लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर, उसका नाम ये लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर, कह रहे अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। डीसी का नाम, डोमेन का नाम ये लिनक्स में ऐसा लिखा हुआ आता है, माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसे लिखा हुआ आता है, लेकिन सामने वो आपको ऐसा दिखा रहा होता है। कह रहे एडलैब का पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड बता दो। मैं यहाँ आया और मैंने कहा ABC123 याद रखना यार, ABC123। उसने मुझे ऑप्शन दिया कि जहां पे यूजर सारे रखे जाएंगे, यूज दिस डेटाबेस एज द डिफॉल्ट फॉर ओपन एलडेप क्लाइंट्स, जहां पे सारे यूजर्स की, सारे ग्रुप्स की, सारे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन सेव होगी, वो कौन सी डायरेक्टरी है, वो है वारलिब एलडेप। ये इंफॉर्मेशन उसने मुझसे पूछी है, और मैं अगर इसको नेक्स्ट कर दूं तो मेरा ये डेटाबेस, मेरा ये एलडेप सर्वर सेटअप हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, मैंने नेक्स्ट तो कर दिया, जब मैंने नेक्स्ट किया तो उसने मुझसे एक चीज पूछी है जो कि डिफॉल्ट में नो सेट हुई हुई है। उसने मुझसे पूछा क्या तुम कर्बरॉस ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो इस मशीन के ऊपर। मैंने कहा कि भाई मैं नहीं करना चाहता, होती क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसको नेक्स्ट किया और उसने कहा बस, मैंने कहा यस, उसने कहा फिनिश, मैंने फिनिश कर दिया, मेरा ये LDAP सर्वर तैयार हो गया सूसे में। मुश्किल से, चूंकि मैंने समझाया, शायद मैंने 10 मिनट ले लिया हूं या 5 मिनट ले लिया हूं समझा के। विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्टिव डायरेक्टरी होता है वो LDAP सर्वर होता है, और उसके साथ साथ वो कर्बरॉस भी होता है। ये वाला काम तो होता ही होता है, ये वाला काम भी करता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन आया, हमने कहा नहीं हमें सिर्फ एलडेप दे दो, हमें वो वाला काम नहीं करना। हमारे पास जो टास्क है, जो लैब आएगी, उसके अंदर हमें ये वाला काम नहीं करना। हमने बोला हमें सिर्फ एलडेप बनाना है। फर्क क्या है एलडेप में और कर्बरॉस में और सिंपल एलडेप में, दोनों में डिफरेंस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट में होता ही है भाई, जो बात समझ में ना आए पूछ लेना यार। लिनक्स है ना इसमें, हम इसमें चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा क्लियर करके चलें। माइक्रोसॉफ्ट में तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके काम कर लेंगे, लोगों को इस बात से गर्ज होती है कि आपको काम आता है, एडी खड़ा कर सकते हो नहीं खड़ा कर सकते, उनको इससे गर्ज नहीं है कि एडी में क्या क्या सर्विसेज चल रही है बैक एंड पे, बस आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे आप एडी खड़ा कर सकते हो। लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में जो है ना लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा बंदा आए कि जो काम भी कर सके और मुंह से बता भी सके। मैंने एक यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए भेजा माइक्रोसॉफ्ट पे, आप लोग अपने एनवायरनमेंट यूज कर रहे होंगे आपको पता होगा, यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया,
उसने यूजर नेम पासवर्ड से मुझे ऑथेंटिकेट कर दिया, मैं लॉगिन हो गया और लॉगिन होके मैं अपना काम कर रहा हूँ। विंडोज का क्लाइंट है, विंडोज के क्लाइंट को जरूरत पड़ी, ये कब लॉगिन हुआ, जब मशीन खोली, लैपटॉप खोला, यूजर नेम पासवर्ड आया, लॉगिन किया, लॉगिन ऑथेंटिकेशन हुई, चेंज हो, वो लॉगिन पासवर्ड दिया, लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार मुझे शेयर एक्सेस करना है, नेटवर्क का एक शेयर एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे गया CMD में, मैंने /backslash अपने उस फाइल सर्वर की IP डाली, जिसकी IP जो भी थी वो मैंने डाली और उसको एक्सेस करने के लिए गया, तो उसने उसको इजीली एक्सेस करना करने को दे दिया। ये नहीं कहा मुझसे कि यूजर नेम डालो और पासवर्ड डालो। क्यों भाई, क्यों? उसका रीजन क्या है कि LDAP का काम है ऑथेंटिकेशन करना, यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करना, ये LDAP का काम है। जब AD में LDAP के साथ Kerberos भी बंडल होता है, Kerberos भी कनेक्टेड, Kerberos भी इंस्टॉल्ड होता है, तो Kerberos का काम ये कि जो ऑथेंटिकेट हो गया उसको एक टोकन दे दिया, ये लो भाई तुम्हारा टोकन। अब ये ऑथेंटिकेट तो हुआ है, Kerberos ने उसको एक टोकन दे दिया, एक पास दे दिया। उसका क्या मतलब है कि अब तुम हमारे इस एनवायरनमेंट में जिस भी फाइल सर्वर पे जाओगे, मैं तुमसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछूंगा, तुम ये टोकन दिखाना और तुम आगे बढ़ जाना। अगर तुम जाओगे इंटरनेट पे ब्राउजिंग करने तो टोकन लेके गए, अगर आपके पास टोकन है और उस टोकन को वहां पे जीमेल, हॉटमेल, याहू, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब अलाउ है, पॉलिसी बनी हुई होती है ना, हमें कंपनी में पॉलिसी बनी हुई है भाई, इस टोकन वाले को, इस यूजर को जो ये टोकन लेके आ रहा है उसको हर वेबसाइट पे जाना अलाउ है, तो प्रॉक्सी सर्वर वेब गेटवे आपका बोलेगा जाओ भाई जाओ, जो साइट पे जाना है चले जाओ। लेकिन आपके पास अगर वो यूजर का टोकन है कि जिस यूजर के टोकन से सोशल मीडिया की साइट बंद है, मल्टी वीडियो ऑडियो वीडियो की साइट बंद है, तो आप जो है वो आपको वहीं ब्लॉक कर देगा। क्यों भाई, वो यूजर कहां से उठा रहा है, वो वेब गेटवे को पता है कि भाई मैंने सारे यूजर LDAP एक्टिव डायरेक्टरी से फैच करने अपने पास रखने, जब भी मेरे पास कोई आएगा और वो मुझे ये टोकन दिखाएगा तो मैंने उससे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछना, बगैर यूजर नेम पासवर्ड के उसको जो है वो बाहर जाने देना है, उसको वेबसाइट पे सर्व करने देना है। तो जब आप किसी भी एनवायरमेंट में LDAP इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें LDAP मिलता है और Kerberos मिलता है। Kerberos आपको टोकन देता है, ये टिकट या टोकन दोनों में से कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टिकट ग्रांटिंग सिस्टम है। इसका काम है टिकट देना या टोकन देना। उससे आपको क्या फायदा होता है, उससे आपको फायदा ये होता है कि आपको सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी मिल जाती है, SSO सिंगल साइन ऑन, सिर्फ जाके एक दफा यूजर नेम पासवर्ड डाला बस, अब मुझे आगे जो है वो यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो काम हमने यहां पे किया, हमने उसको कह दिया कि भाई हमें Kerberos नहीं चाहिए, जब हमने उसको मना कर दिया Kerberos हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ जाके यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, हम लॉगिन हो जाएंगे। अगर हमें ईमेल एक्सेस करनी है तो ईमेल पे जाएंगे, वहां पे वो मुझसे दोबारा यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। कोई फाइल शेयर एक्सेस करना है, मुझसे दोबारा यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। प्रॉक्सी के ऊपर जाना है, वेब प्रॉक्सी पे ब्राउजर पे जाऊंगा, जैसे ही लिखूंगा google.com एक विंडो आ जाएगी, वो मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगी, मुझे यूजर नेम पासवर्ड वहां पे भी डालना पड़ेगा, ईमेल पे भी डालना पड़ेगा, जो है फाइल सर्वर पे भी डालना पड़ेगा। जहां जहां मैं लॉगिन करने के बाद जाना चाहूंगा तो मुझसे वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा और मुझे डालना पड़ेगा। तो मैंने अपने इस सिस्टम में वो वाला फीचर डाला ही नहीं, मुझे वो वाला फीचर दिखाना भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो वाला फीचर डाला भी नहीं। अगर मैं डाल देता तो मुझे क्या फैसिलिटी मिलती, Kerberos से क्या फैसिलिटी मिलती है, सिंगल साइन ऑन मिल जाता है, बस ये एक मेन उसका जो है ना बेनिफिट है। तो मैं इस सिस्टम को, इस ऑथेंटिकेशन सर्वर के ऊपर मैं सॉरी इस मशीन को ऑथेंटिकेशन सर्वर बना चुका हूं। अब मुझे इसमें दो काम करने हैं, वो दो काम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करते हो तो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर नेम और एक एक्टिव डायरेक्टरी का एक पूरा यूजर को और कंप्यूटर्स को मैनेज करने का एक टूल आ जाता है। इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं यहाँ गया
और मैंने कहा यूजर्स को मैनेज करने का, यूजर्स एंड ग्रुप्स की मैनेजमेंट करने का कोई ऑप्शन है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा जाओ, ये जो यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन है, ये लोकल यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन है। इसी लोकल यूजर वाले ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं। ये लोकल यूजर बने हैं पप्पू सलमान। मैं यहाँ गया, मैंने कहा यार मुझे एलडेप के यूजर्स का मैनेजमेंट करनी है, वो बनाने हैं, तो एलडेप में जाओ। उसने कहा एलडेप का पासवर्ड दो। मैंने कहा ABC123। ओके, ये लोकल मशीन के ऊपर बना हुआ है। मैंने उसको कनेक्ट किया। अब जो मैं यूजर क्रिएट करूंगा, वो यूजर वो होंगे जो एलडेप के यूजर होंगे। जो ग्रुप क्रिएट करूंगा, वो ग्रुप वो होंगे जो एलडेप के ग्रुप होंगे। यहाँ पे आ गया, मैंने कहा ऐड करो, एक यूजर क्रिएट करो, उसका नाम ताहिर, उसका लास्ट नेम क्या है? ताहिर खान। यूजर का नाम क्या है? टी खान। पासवर्ड क्या है? ABC123। डिटेल में जाओ। बोला इतना आसान सा पासवर्ड? मैंने कहा हाँ ठीक है। डिटेल में जाओ, उसका कोई यूजर आईडी देना है अपनी मर्जी से दे दो। मैंने कहा जो ये यूजर होंगे एलडेप के, उनका 9999 से स्टार्ट होगा। उसकी होम डायरेक्टरी भी यही होगी, उसकी होम डायरेक्टरी की परमिशन यही होगी। उसको कौन सा ग्रुप दिया जाएगा? एलडेप का कोई ग्रुप तो हमने बनाया नहीं है, ये तो नॉर्मल ग्रुप्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका ग्रुप जो है यूजर्स होगा। जस्ट इसको मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्या आ गया, ग्रुप में गया, एक ग्रुप आ रहा है यूजर्स के नाम से। ये कौन सा ग्रुप है? क्या ये एलडेप का ग्रुप है? नहीं, एलडेप का कोई ग्रुप नहीं है। एलडेप में आया और ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा आईटी। उस आईटी के ग्रुप में इस यूजर को जिसका नाम था टी खान, उसको शामिल कर दिया। ओके, अगर नया कोई यूजर बनाना होगा तो यूजर्स में जाऊंगा, ऐड करूंगा टी खान के नाम से, पप्पू खान के नाम से, पी खान के नाम से एक बनाया, ABC123। डिटेल में गया, उसका यूजर आईडी मैंने दे दिया 9998, और बाकी सब कुछ सेट है। उसको ग्रुप कौन सा देना है, अगर आईटी का ग्रुप का मेंबर बनाना है, यहीं पे बता दिया। डिफॉल्ट ग्रुप यूजर्स के ग्रुप का मेंबर वो होगा, उसके साथ साथ एडिशनल जो एलडेप का ग्रुप है वो आईटी है। उसको ओके किया, ये दो ग्रुप आ गए, इसको ओके किया, इसको मैंने बंद कर दिया। इसको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक टूल भी होता है, जिसको मैं कहता हूँ अगर मुझे मैनेज करना है तो एलडेप एडमिन का। इससे मैं एडी को भी मैनेज कर सकता हूँ, और ये एक टूल है जिससे मैं उसको यूजर्स क्रिएट करना, ओयू वगैरह का ऑप्शन वहां नहीं था, मैं यहां से कर सकता हूँ। कनेक्ट के ऑप्शन में गया, बोला एक नया कनेक्शन बनाओ, जरूरत नहीं है लेकिन मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूं। एक नया कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन का नाम क्या है? ऑन वायर एलडेप। मशीन का नाम क्या है? आईपी क्या है? सॉरी 192.168.40.100। उसकी पोर्ट होती है बाय डिफॉल्ट 389। यहां तक आ गया, और मैंने यहां पे आके कहा कि डीएन यानी कि डोमेन का जो नाम है ना वो फैच करके लेके आओ इस मशीन से, मैं लिखना नहीं चाह रहा यहां पे, लेके आओ खुद जाके। देखें कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा, खुद ही लेके आ गया। फैच जब कराया तो लेके आ गया डीसी ऑन वायर डीसी लैब। मैंने कहा यही है इस आईपी से, और अब मुझे इस पे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का जो तरीका है, यह नजर आ रहा है पीछे से, CN इज इक्वल टू ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर कॉमा DC इज इक्वल टू ऑन वायर कॉमा DC इज इक्वल टू लैब, और पासवर्ड रखा था हमने क्या? ABC123 शायद। मैंने कहा कनेक्शन टेस्ट करो, उसने कहा कनेक्शन इज सक्सेसफुल। मैंने कहा ओके कर दो, और ये इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये कनेक्ट हो गया। अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो आपके पास आईटी का ग्रुप होगा, अगर आप OU पीपल के नाम से बना हुआ है उसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूजर्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। अगर आपको कोई कंटेनर बनाना है, आप यहाँ पे गए, राइट माउस क्लिक की, आपने कहा एक नया OU बना दो। OU समझते हैं ना भाई, माइक्रोसॉफ्ट के जो लोग AD को यूज करते रहे। मैंने कहा एक OU बना दो, कौन सा वाला? IT के नाम से या HR के नाम से एक OU बना दो, इसमें HR के लोग होंगे सारे, कंटेनर जिसे आप बोलते हैं। ये HR का बना हुआ आ गया,
इसमें मुझे यूजर क्रिएट करना है। मैंने कहा राइट माउस क्लिक, एक नया यूजर बना दो इसी एचआर में, क्या नाम होगा वो इसका, एचआर में आमतौर पे लड़कियां होती हैं, तो मैंने उसका हुमा खान के नाम से एच यू एम ए के एन खान, यूजर का नाम क्या है एच खान, लॉगिन शेल कौन सा है बी आई एन बिन बी ए एस एच बैश, होम डायरेक्टरी कौन सी है, होम में हुमा, बाकी इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है देने की, ओके किया, ये आ गई हुमा के नाम से एच खान के नाम से, उसका पासवर्ड सेट करना है, उसका पासवर्ड दे दिया ABC123 ABC123, ओके, ये मेरा एल डेफ सर्वर वाला काम कंप्लीट हो गया। ये यूजर है मेरे पास, ये ग्रुप है मेरे पास जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जिस ग्रुप में कौन से मेंबर हैं वो मेंबर भी यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसका कोई मेंबर नहीं है, ये एच खान किसी की मेंबर नहीं है, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो ये मेरे पास सिंपल सा मैंने एक एल डेप सर्वर बना लिया है। अब मुझे इस एल डेप सर्वर से ज्वाइन कराना है रेडेट की मशीन को, जो मेरी RHEL 7 की मशीन है। लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, ये मैंने आपको पूरा इसलिए बताया है कि अगर आप अपने पास प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपके पास एक क्लाइंट मशीन होगी, आपने सिर्फ उसके ऊपर डोमेन ज्वाइन कराना है, आपने उस पर ये कुछ नहीं करना। एक सर्वर मशीन होगी, उसके ऊपर ऑलरेडी डोमेन बना हुआ होता है, जब आप जाएंगे और लैब सेटअप करेंगे तो वो ऑलरेडी आपको पूरा सेटअप बना बनाया दे देगा और आपसे कहेगा भाई आप ये कमांड चलाओ, तो आपकी मशीन जो है डोमेन ज्वाइन कर लेगी। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस मशीन को जो कि रेड हैट की मशीन है, इस मशीन को मुझे इस एलडीएप सर्वर को ज्वाइन करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस प्रोसेस की तरफ मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी तक अगर किसी को कोई बात पूछनी है इससे रिलेटेड तो भाई वो पूछे। जीपीओ वगैरह जैसे कुछ करते हैं विंडोज में, हाँ, वो सारे काम जैसे एलडीएप से कर सकते हैं? नहीं, ये बात तो मैंने पहले बताई थी भाई। इन्होंने कहा एलडीएफ में बेसिकली एक चीज नहीं होती, सॉरी एडी में एक चीज नहीं होती, एडी तो 8 चीजों से मिलके बनी है, एडी में एक चीज नहीं होती, 8 चीजों से मिलके एडी बनी है, इसमें ग्रुप पॉलिसी भी होती है जीपीओ, इसमें एनटीपी सर्वर भी होता है, इसमें डीएनएस भी होता है। अब चूंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट का बंदा नहीं, इसलिए मुझे बाकी के नाम पता नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले सही बताएंगे। इसमें ग्रुप पॉलिसी है, अगर मैं चाहता हूं ये डीएनएस ये एनटीपी इस जैसा बनाना चाहता हूं तो फिर मुझे उसकी जो चीजें हैं वो यहां पे डालना पड़ेगी। मैं इस जैसा बना नहीं सकता, लेकिन अगर मैं चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। मैंने एलडीएफ के साथ जो है वो सांबा 4 डाल दिया, तो जीपीओ सांबा 4 क्या करेगा, आपको ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन दे देगा। लेकिन अगेन ये मैंने पहले ही बताई थी बात कि जाहिर है कि सांबा 4 इंतजार करता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जीपीओ के अंदर विंडोज 8 के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए, तो जब तक वो आ नहीं जाता उस वक्त तक ये तो उसका ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है ना, तो वो वेट करता है। ऐसे जितने भी ग्रुप पॉलिसी के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं वो सब के सब इंतजार करते हैं कि भाई कब माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप पॉलिसी में क्या ऑप्शन दे रहा है, फिर वो उसके बाद उस ऑप्शन को अपने पास इम्प्लीमेंट करते हैं। लिनक्स के दूसरे फ्लेवर्स हैं जैसे आर्च लिनक्स या यूबंटू वगैरह, वो हम इस एडी से ज्वाइन करा सकते हैं? क्या सवाल किया इसने, एडी से ज्वाइन करवा सकते हैं यूबंटू वगैरह जैसे मशीन जो लिनक्स की है बंटू वगैरह करा सकते हैं? हाँ सब हो जाएंगे, दे दो इनको अभी 2 मिनट में करा देंगे, क्यों नहीं करा सकते, ना कराने की क्या वजह है भाई? अगर कोई फेसबुक देखना चाहता है और उसके पास विंडोज चल रही है तो दिखाई फेसबुक आएगी ना विंडोज पे, अगर उसके पास लिनक्स चल रही है तो क्या फेसबुक आएगी? फिर भी आएगी। उसके पास मैक चल रही है तो क्या फेसबुक चलेगी? तब भी चलेगी। वो तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के ऊपर एक्सेसिबल है, HTTPS के ऊपर। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्टिव डायरेक्टरी है, इनका सवाल ये है कि क्या मैं यूबंटू के क्लाइंट को इसको ज्वाइन करा सकता हूँ, तो कोई भी लिनक्स हो उसको आप इस एडी को ज्वाइन करा सकते हैं। एडी तो ऑथेंटिकेशन सर्वर है,
वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है किसी भी तरह का कोई भी क्लाइंट है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो विंडोज का सर्वर है, चाहे वो लिनक्स का सर्वर है, चाहे वो विंडोज का क्लाइंट है या लिनक्स का क्लाइंट है या मैक का क्लाइंट है, कोई भी अगर मुझसे ऑथेंटिकेशन की सर्विस लेना चाहता है तो आ जाए, मैं तो तैयार हूं ऑथेंटिकेट करने के लिए। क्योंकि वो सेम प्रोटोकॉल पे बात करेगा ना, वो प्रोटोकॉल कौन सा होगा, वो होगा LDAP का प्रोटोकॉल, लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। जितनी भी इंप्लीमेंटेशन है ऑथेंटिकेशन की, उनका प्रोटोकॉल ऐसी ऐसी किस तरह की, उनका प्रोटोकॉल LDAP होता है। तो जो भी आएगा वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना सा होगा, किसी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, किसी में कमांड लाइन काम करना पड़ेगा, किसी में GUI ऑप्शन है, लेकिन ये तो ऑथेंटिकेशन सर्वर LDAP। इससे भी मैं बोलूं विंडोज की मशीन ऑथेंटिकेट करे, वो भी हो जाएगी, ये विंडोज की मशीन को भी ऑथेंटिकेट कर देगा। जी कोई और बात, कोई और सवाल? सबसे पहली चीज, क्या ये पिंग हो रहा है 192.168.40.100? यस, खुश हो गया मैं, पिंग हो रहा है, सिर्फ पिंग होना चाहिए। आईपी से पिंग हो रहा है तो ठीक है, नाम से क्या पिंग हो रहा है? क्या नाम से पिंग हो रहा है? नहीं हो रहा, ये नाम से पिंग नहीं हो रहा। बोल रहा है मुझे DNS सर्वर तो है नहीं तुम्हारे पास, तो मैं नाम से तो पिंग होऊंगा नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, इस मशीन की ETC होस्ट में गया, ये सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं आपको, मुझे जरूरत नहीं है, मैं LDAP की IP से भी ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं गया और मैंने यहां जाके एक एंट्री कर दी 192.168.40.200। जब DNS नहीं हो और आपको नाम से एक्सेस करना हो किसी मशीन को, तो आप ऐसे करते हैं, ये तरीका है, ये इसका पैटर्न है, वो मैंने दे दिया और बाहर आ गया। अब अगर मैं यही कमांड चलाऊंगा तो अब ये पिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने ETC होस्ट में एंट्री 100 है। अरे तो 200 को भी पिंग कर रहा है। चलो भाई अब पिंग कर रहा है, सॉरी। पिंग कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सॉरी, मुझे इस मशीन को ज्वाइन करना है LDAP से, तो इस LDAP के अंदर मेरे पास एक पैकेज होना चाहिए, एक प्रोग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, जिसका नाम है क्या? उसका नाम है auth config GTK। ये एक पैकेज है जो मुझे इंस्टॉल करना है इस मशीन में, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन डोमेन ज्वाइन कर सके। अब पैकेज इंस्टॉल करने की पूरी हमारी लैब है, लेकिन मैं चूंकि अभी इंस्टॉल करना है मुझे, तो इसलिए मैं इंस्टॉल करने के लिए जा रहा हूं। कैसे? सबसे पहले तो मैंने ये चेक किया, कि क्या मेरे पास DVD लगी हुई है। उसने कहा हाँ आपके पास DVD लगी हुई है। DVD का नाम क्या है? डिवाइस SR0। ये मेरे पास DVD लगी हुई है और मेरी मशीन में DVD का ये नाम है। DVD के कंटेंट को देखने के लिए मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, उसका नाम रखा DVD रूट के ऊपर, और DVD के कंटेंट को देखने के लिए अपनी डिवाइस SR0 जो मेरी CD ड्राइव है, उसको मैंने DVD के कंटेंट्स के फोल्डर के ऊपर जो अभी ब्लैंक था मैंने माउंट कर दिया। उसने कहा DVD तो लगी भी नहीं है। मैंने कहा अभी लगा देते हैं, रिमूवल मीडिया में जाओ, CD DVD में जाओ, कनेक्ट हो गई। क्या कह रहा है? अरे यार आगे आ रहा है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अब देखें, उसने कहा मैंने DVD राइट प्रोटेक्टेड माउंट कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है कि आपने DVD लगाई, वो खुद ही बोल देता है कि D ड्राइव में DVD लगी हुई है। आपने USB लगाई, खुद ही बोल देता है F ड्राइव में USB लगी हुई है। लिनक्स में ऐसा नहीं होता, लिनक्स में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपके सिस्टम में जो DVD लगी हुई है
लगी हुई भी है या नहीं लगी हुई? तो लगी हुई है, तो उसका नाम क्या है? सिस्टम ने उसको क्या नाम दिया है? हमारे सिस्टम ने उसको डेव में SR0 का नाम दिया है। जब ये बात कंफर्म हो गई तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई और DVD को माउंट कर दिया। पीछे जब कनेक्टेड नहीं थी तो मैंने कनेक्ट किया और दोबारा जो है वो माउंट किया, तो उसने उसको माउंट कर दिया रीड ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर मैं DVD के फोल्डर में जाऊंगा तो DVD के फोल्डर में जाके सारे कंटेंट्स मुझे नजर आएंगे DVD के। LS ये DVD के कंटेंट्स हैं, ये मुझे नजर आ रहे हैं। इस कंटेंट के अंदर एक फोल्डर है, उसका नाम है पैकेजेस, उसमें चला गया तो ये वो जगह है PWD। DVD के अंदर पैकेजेस के नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें सारे सारे पैकेजेस होते हैं। अगर आप LS करके उसको चेक करना चाहें तो LS करें आप, वो आपको सारे पैकेजेस की लिस्ट दे देगा। माइक्रोसॉफ्ट में जो इंस्टॉलेबल होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .exe, लिनक्स में जो इंस्टॉलेबल होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .rpm। जैसे जो मैक के अंदर जो पैकेजेस होते हैं, जो मैक में आप इंस्टॉल करते हैं, उनका एक्सटेंशन क्या होता है भाई मैक वाले का? DMG। तो लिनक्स में RPM है, ये समझ लो माइक्रोसॉफ्ट की जैसे एक्सी होती है तो लिनक्स की RPM है, या माइक्रोसॉफ्ट में जैसे MSI होती है तो लिनक्स का RPM है। तो मैं इसके अंदर से एक पैकेज देख रहा हूं, मैंने ऐसी देखा, मैंने कहा इसमें टोटल हैं कितने? उसने कहा इसमें 5231 RPM है। इसका मतलब होता है LS-L का मतलब है पूरी लिस्ट लो, और इसका मतलब है लाइनें काउंट करके बता दो। जाहिर है लिस्ट आएगी तो उसमें लाइंस होंगी, तो उसने बता दिया। अब मैंने इसमें कमांड लिखी, चेक किया कि क्या कोई ऑथ कन्फिग के नाम की भी कोई चीज है। उसने कहा हाँ, ऑथ कन्फिग के नाम के दो हैं, एक का नाम है सिंपल ऑथ कन्फिग, एक का नाम है ऑथ कन्फिग GTK। ये जो ऑथ कन्फिग GTK है ये एक ग्राफिकल टूल है जिसके जरिए आप LDAP सर्वर को या किसी भी ऑथेंटिकेशन सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं ग्राफिकली। मैं गया, अगर आप RHEL 7 का एग्जाम देंगे तो ये आपको इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है RHEL 7 में। मैं गया, इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? RPM-IVH auth config, आई नहीं आया बोला, IVH auth config GTK, यहां तक टैप प्रेस किया वो खुद ही उसने कंप्लीट कर दिया। यहां से नाम स्टार्ट किया और यहां तक चला गया। अभी आपने इसको फोकस नहीं करना है कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो पूरा टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। RPM-IVH auth config GTK ये लिख के मैंने एंटर कर दिया, इससे क्या होगा ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसने इंस्टॉल कर दिया, बोला ये लो इंस्टॉल हो गया भाई। और कुछ आई का मतलब था इस RPM को इंस्टॉल करो, वी का मतलब था जब इंस्टॉल हो जाए तो मुझे बता देना हाँ मैंने 100% कर दिया है, 99% नहीं है। और एच का मतलब था कि जब तुम इंस्टॉल कर रहे हो तो मुझे हैशिंग के फॉर्मेट में दिखाना। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूं, इतना सा नाम लिख दूंगा काफी है रिमूव करने के लिए। मैंने बोला इसको रिमूव कर दो भाई, मुझे नहीं चाहिए ये, रिमूव कर दिया उसने। दोबारा बोला इंस्टॉल करो, अब की दफा में तुमने वी भी नहीं लगाना और एच भी नहीं लगाना, तो देखें क्या चीज मिसिंग होगी, बस ये इंस्टॉल कर दो। कह रहा हो गया इंस्टॉल ना, उसने वी अगर लगाता तो वेरीफाई करता हाँ भाई 100% हो गया है, एच लगाता तो हैशिंग के फॉर्मेट में इंस्टॉल होता हुआ दिखाता, लेकिन उसने इंस्टॉल भी कर दिया और बताया कुछ नहीं, बस इंस्टॉल हो गया। तो जब ये इंस्टॉल हो गया तो फिर मैंने इसको चलाया कैसे वो जरा देखिएगा। वो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो एक्टिव डायरेक्ट वो जो LDAP सर्वर को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने इस टूल को चलाया, ये टूल चल गया, ये वो काम है। यहां से जो काम स्टार्ट हुआ है
ये वो काम है जो आपको एग्जाम में करना होता है, इसको इंस्टॉल करना होता है और आप यहाँ पे आ गए। उसने आपसे दो बातें पूछी हैं, उसमें से पहली बात यह है कि तुम्हारे अकाउंट की डेटाबेस कौन सी है, क्या लोकल है, मतलब मैं ETC पास WD में जाके चेक करूं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लोकल नहीं है। अब मेरी कौन सी है भाई? LDAP, मेरी LDAP है। जब मैंने कहा LDAP है तो उसने मुझे कहा आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है NSS PAM LDAP D। बोला ये पैकेज है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मुझे चाहिए, ये सिस्टम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा भी इंस्टॉल करता हूं, कौन सा वाला? NSS-PAM-LDAP-D। मैंने कहा अच्छा बंद कर दो इसको, वापस आ गए यहाँ। पैकेज का नाम क्या था? RPM-IVH-NSS-PAM-LDAP। टैप प्रेस किया, खुद ही आ गया। अब उसके दो वर्जन है, टैप प्रेस कर रहा हूं, एक उसका वर्जन है 32 बिट और एक उसका वर्जन है 64 बिट। तो मुझे अपने सिस्टम पे कौन सा इंस्टॉल करना है ये आप यहां से चेक कर सकते हैं। आर्किटेक्चर आपको अपने सिस्टम का पता होना चाहिए, मेरे सिस्टम का आर्किटेक्चर है 64 बिट। आर्च की कमांड ने मुझे बता दिया, तो मैं दोबारा आया और मैंने इंस्टॉल किया। जब उसको इंस्टॉल करने के लिए गया तो उसने मुझे कहा, जैसे विंडोज में नहीं होता कोई पैकेज इंस्टॉल करने जाए तो बोलता है भाई .NET फ्रेमवर्क 3.5 चाहिए, तो ये कह रहा है मुझे एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है NSCD। अब मैं ये चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं, मैं ये चाहता हूं यार ये NSCD क्यों चाहिए, तो मैं मालूम कर सकता हूं ये NSS-PAM-LDAP-D क्यों चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए, मैं मालूम कर सकता हूं। अगर मैं यहां लिख दूंगा QPI तो ये बताएगा ये पैकेज क्या काम करता है। QPI इंस्टॉल करने से पहले QPI बताएगा ये क्यों चाहिए, इसका काम क्या है। तो आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने से पहले अगर आप देखना चाहें तो आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। इसने मुझे कहा था NSS-PAM-LDAP को करने के लिए ये पैकेज भी चाहिए जिसका नाम है NSCD, तो मैंने इसको कहा अच्छा भाई NSCD भी इंस्टॉल कर लो। वो खुद ही सिर्फ NSCD लिखा, टैप प्रेस किया, खुद ही लिखा आ गया उसका नाम, सिर्फ स्टार्टिंग लिखा था NSCD, एंटर। उसने पहले NSCD इंस्टॉल किया और कहा तुमने जो काम कहे थे मुझे उसमें से आधा काम हो गया, फिर पूरा दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गया, तो 100% कह रहा है मैंने पैकेज इंस्टॉल कर दिए। अब आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम की मशीन में ये डिपेंडेंसी वाला मसला नहीं आता, वो पहले से मशीन में होते हैं। सिर्फ authconfig.gtk का एक पैकेज होता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एग्जाम वाली मशीन में, क्योंकि हम यहां पे और इन मशीनों में भी आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इनमें भी सेट हुआ हुआ होता है। authconfig.gtk मैंने दोबारा लिखा, उसने मुझसे पूछा तुम्हारे यूजर की डेटाबेस क्या है, मैंने कहा LDAP। फिर उसने मुझसे पूछा LDAP तो है लेकिन तुम्हारा ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है, तो ऑथेंटिकेशन मेरे पास दो है, ऑथेंटिकेशन मेरे पास मेथड दो है, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी में ऑथेंटिकेशन का यूजर की डेटाबेस तो LDAP होती है लेकिन पासवर्ड का जो ऑप्शन होता है वो Kerberos के साथ पासवर्ड होता है, Kerberos के साथ पासवर्ड, मतलब मैं उसे कह रहा हूं यूजर नेम पासवर्ड तो मैं दूंगा, LDAP से ऑथेंटिकेट करूंगा लेकिन मुझे टोकन भी चाहिए होगा। अगर मैं ऐसे किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो मैं उसको ये बताऊंगा, लेकिन मैं तो चूंकि LDAP के साथ कर रहा हूं तो LDAP अगर मैंने यहां बता दिया तो ऊपर जो रेड कलर का डिपेंडेंसी का मसला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। कह रहा सही है, अब कह रहा है आपने दो सही बातें बतानी है, एक सही बात बतानी है अपने डोमेन का नाम और एक सही बात बतानी है अपने LDAP सर्वर का नाम या IP, ये दो चीजें आपने बतानी है। अगर आपने बता दी तो समझो आपका डोमेन ज्वाइन हो गया बगैर यूजर नेम पासवर्ड के, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस बोला आप सिर्फ अपने डोमेन का नाम बता दो, कैसे ये हटाओ, ऑन वायर कॉमा DC इज इक्वल टू LAP और मेरी IP क्या थी, अगर मैं IP बताना चाहूं तो IP बता दूं और नाम बताना चाहूं तो नाम बता दूं, मैंने उसको नाम बता दिया LDAP.onwire.lab।
ये नाम बता दिया, ये बता दी। अगर मैंने वहां पे LDAP का TLS इनेबल किया होता तो मैं यहां पे TLS पे इनेबल पे चेक लगाता और सर्टिफिकेट डाउनलोड के क्लिक करता और सर्टिफिकेशन का जो उसने मुझे अपना सर्टिफिकेट दिया होता वो मैं अपने सिस्टम में बता देता कि मेरा सर्टिफिकेट रखा हुआ है TMP के फोल्डर में CA.CERT, मैं उसको इस तरह बता देता कि ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मुझे LDAP सर्वर ने दिया था वो मैं यहाँ पे लगा देता। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इस ऑप्शन को हटा दिया। क्या है भाई, LDAP DC दे दिया, ये दे दिया, LDAP का पासवर्ड दे दिया। एक एडवांस में एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि जब भी नया यूजर लॉगिन करे उसकी होम डायरेक्टरी बना देना, बस इतना सा काम कर लेना बस, और मुझे कुछ नहीं करना। ये चेक लगाना था और यहां पर ये वाला काम करना था, और करने के बाद अब मुझे अप्लाई करना है तो अप्लाई का बटन ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ऐसा करो, पहले इस वाले ऑप्शन पे जाओ फिर वापस इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ, अप्लाई का बटन आ गया। सही है, ऐसे ही करना पड़ता है भाई, मजबूरी है। वो इसलिए है कि वो मैंने TLS का ऑप्शन दिया था ना, तो वो उसको वो इंतजार कर रहा था कि TLS का ऑप्शन ये डाले तो फिर मैं आगे बढ़ूं। वो रेड आपने देखा हो ना, रेड कलर का मार्क आ रहा था, तो अब मैंने इसको सिर्फ अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करने से पहले एक चीज दिखा दूं आपको मैं, अप्लाई करने से पहले चेक करने का तरीका है गेट ENT पास WD एच खान। क्या एच खान के नाम से यहाँ पे कोई यूजर है? चेक कर रहा हूँ मैं, कह रहा नहीं है। मैंने कहा क्या यहाँ पे इमरान के नाम का यूजर है? उसने कहा हाँ इमरान तो है। तो मैंने कहा क्या यहाँ पे पी खान के नाम का यूजर है? होता क्या है कि जब आप ये कमांड चलाते हैं तो ये यूजर ये कमांड चेक करती है। क्या चेक करती है? ये पहले अपनी लोकल डेटाबेस में चेक करती है क्या इस नाम का यूजर है। अगर नहीं होगा और आपने LDAP कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो फिर ये जाएगी और LDAP सर्वर पे जाके चेक करेगी कि क्या इस नाम का यूजर है, इसका ये काम है। तो मैंने भी ये कमांड चला दी, अप्लाई कर दिया। अगर अप्लाई करने के बाद जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो इस कमांड का रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट आएगा पी खान की जगह, वो पी खान का आईडी और वो सारी चीजें बताएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा कनेक्शन लोकल तो ऑथेंटिकेट करेगा ही करेगा, लेकिन मेरा कनेक्शन LDAP सर्वर से भी बन गया है और मैं वो यूजर जो मैंने वहां बनाए थे उनसे मैं यहां पे लॉगिन कर सकता हूं। तो देखें जरा, आपके सामने बनाया था ना एच खान, उसका आईडी का यही रखा था 9243। क्या उसका आईडी पी खान का यही रखा था 9998? क्या टी खान का यही रखा था? क्या ए खान का यही रखा था? कह रहा ए खान तो तुमने बनाया नहीं है ना, ए खान लोकल है और ना ए खान LDAP पर है। अगर ये कमांड आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाए ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोमेन ज्वाइनिंग वाली कंडीशन थी वो ट्रू हो गई। और अगर मैं ऐसा लिख दूं गेट ENT पास WD यहां तक लिख दूं, एंटर कर दूं, तो वो सारे यूजर उठा के ले आएगा, वहां से लोकल भी ले आएगा और डोमेन के भी ले आएगा। जो लोकल थे वो उसने लोकल उठा लिए और जो LDAP के थे वो उसने LDAP वाले उठा लिए। पी खान टी खान नीचे देखें आप, मैंने कमांड ये लिख दी। अगर नाम लिखूंगा स्पेसिफिक किसी का तो वो भी ले आएगा। अब मुझे इस यूजर को पी खान को लॉगिन करना है, उसका पासवर्ड क्या रखा था याद है? ABC123 रखा था। चलो ठीक है, मैं यहां पे आया कहा कि भाई लॉगिन करो PKHAN खान, एंटर। पासवर्ड क्या है? ABC123। उसने मुझे पी खान को लॉगिन कर दिया। मैंने कहा ये कैसे लॉगिन हो गया यार? अभी देखें, इस पी खान को यहां से जाके मैंने कर दिया डिसेबल। ऑप्शन है कहीं पे डिसेबल करने का? अबे यार ऐसे ही होना चाहिए ना, यहाँ पे राइट माउस क्लिक करूं बोलूं डिसेबल कर दो, ऐसा नहीं है?
चलो मैंने कहा प्रॉपर्टी में जाओ, इधर भी कहीं नहीं है यार। चलो थोड़ा चेंज करते हैं, मैंने इसका ऑप्शन तो होता है यार, खैर चलो छोड़ो। मैं यहाँ गया और मैंने कहा बिन करके जाओ, और सॉरी एस बिन करो और इसका शेल कर दो नो लॉगिन। ओके ये चेंज कर दिया, तो समझो एक तरह से ये डिसेबल ही हो गया, इसका लॉगिन शेल चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ गया और ये चेक कर रहा हूँ कि क्या अब ये अगर मैंने इसको एग्जिट कर दिया तो क्या ये दोबारा लॉगिन हो सकेगा। चेक करते हैं, सही पासवर्ड डाल रहा हूँ ABC123, दोबारा डाला बिस्मिल्ला पढ़ के। लेकिन भाई सिर्फ बिस्मिल्ला पढ़ने से नहीं, दवा भी तो करना पड़ेगी, लॉगिन करने नहीं दे रहा। अगर मैं बोलूंगा एच खान तो एच खान लॉगिन हो जाएगा, कैसे ABC123 ये तो लॉगिन हो रहा है, उसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो रही है। अगर आप PWD करके चेक करोगे तो उसकी होम डायरेक्टरी भी बन रही है, लेकिन लेकिन होम डायरेक्टरी भी देखो बन गई होम के अंदर, जिस जिस यूजर से आपने लॉगिन किया उसकी होम डायरेक्टरी बन गई एच खान की पी खान की, जिसका शेल आपने वहां से चेंज कर दिया वो उसने काम करना छोड़ दिया। होम डायरेक्टरी से लोकल है, हाँ होम डायरेक्टरी लोकल है, ls-l होम में जा रहा हूँ ना, मैंने उसको थोड़ी कहा है कि भाई मुझे रूमिंग प्रोफाइल बना के दो। अगर मैं उसमें NFS सर्वर और पूरा सेटअप करता वो आगे जाके है लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट चैप्टर में, वहां पे हम थर्ड लास्ट चैप्टर में रूमिंग प्रोफाइल का ऑप्शन है, वहां पे हम यही चीज दोबारा डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक LDAP सर्वर बना होगा और उसकी प्रोफाइल जो है वो किसी और सर्वर पे रखी हुई होगी, लोकल प्रोफाइल नहीं होगी। जो यूजर लॉगिन करेगा उसकी प्रोफाइल वहां से उठ के आ जाएगी, जो माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है ना ऐसा कि आपने यूजर लॉगिन किया तो यूजर की प्रोफाइल भी उठ के आ गई और यूजर की और भी कुछ शेयर डायरेक्टरीज होती हैं जेड ड्राइव पी ड्राइव एम ड्राइव वो भी आ जाती हैं। ये हमने सिंपल सा काम था, ये हमने कर लिया। सर ये तो एक क्लाइंट है, ये AD में जितने भी यूजर्स हैं मतलब LDAP में जितने भी यूजर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रही है। इस कमांड से अगर आप चेक करें तो डेटा ब्रीच नहीं, मैंने हाँ डेटा ब्रीच नहीं होगा, मतलब कोई भी यूजर है आपने उसको बनाया उस राइट दी और वो LDAP से सारे यूजर्स की लिस्ट निकाल ली। हाँ तो इसमें क्या हुआ है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी को अभी ये कमांड चलाऊंगा वो सारे दिखा देगी अपने। डेटा ब्रीच की क्या बात है, यूजर नेम पता चल जाएगा तो उसके बाद डिक्शनरी अटैक करने में आसानी होगी, अटैक वेक्टर्स उसके लिए भी राइट। इन्होंने एक सवाल किया है, इन्होंने कहा लोग हमारे यूजर नेम किसी को पता चल जाएंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, तो भाई सिक्योरिटी किस चीज का नाम है भाई। अब मुझे इसका जो मशीन है ना जो जिस जाके बैंक में लॉगिन करता है उसका यूजर आईडी मुझे पता है और पासवर्ड भी पता है, इसने बता रखा है मुझे, उस दिन बताया था ना तुमने, दोनों चीजें पता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, दोनों चीजें पता है, क्या करूं। बीच में फायरवॉल वगैरह बहुत सारी चीजें हैं ना भाई। लेकिन बहरहाल इनका सवाल ये कि मैं चलो अपने यूजर की बात करूं मेरे यूजर की डिटेल आ जाए वो तो समझ में आती है बात, लेकिन सबकी नहीं आनी चाहिए, तो वो भी ऑप्शन है सारे। आप जिस यूजर को जिस मशीन को जिस आईपी को, उसमें होता ये कि हम बोलते हैं किस आईपी को आपने ये राइट्स देने के उस आईपी से आने वाला तमाम डेटाबेस के यूजर को रीड कर सकता है, ये सारी जो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा सिस्टम को लॉगिन करो और सिस्टम को लॉगिन करके मुझे जो मेरा ऑथेंटिकेशन सर्वर था वो दिखाओ, यास्ट में लेके जाओ और वहां पे मेरा ऑथेंटिकेशन सर्वर खोल दो। ऑथ सर्वर मैंने खोल दिया, मेरे पास चला गया, मैंने कहा मेरी डेटाबेस में जाओ और डेटाबेस में कोई ऐसा ऑप्शन होता है, डेटाबेस में कोई एक्सेस कंट्रोल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, बोला हाँ होती है बिल्कुल। बोला यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने कह रखा है सबको सब दिखाओ, सब कुछ दिखाओ,
लेकिन जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि किस आईपी से आने वाले को दिखाना है और किस आईपी से आने वाले को सिर्फ उसकी एंट्री दिखानी है। एडमिनिस्ट्रेटर को सारे यूजर दिखाने, और जो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है उसको, मिसाल के तौर पे अभी आपने यहां देखा था ना, देखिएगा जरा यहां पे, मैंने इसको कनेक्शन को बंद कर दिया, दोबारा गया और कहा यही कनेक्शन कनेक्ट करो, अरे यार क्या करूं उसको, अच्छा हाँ कनेक्ट किया, दोबारा गया कनेक्शन में, इसके ऊपर राइट माउस क्लिक की, प्रॉपर्टी में गया, बोला एनएनएमएस से कनेक्ट कर दो, एनएनएमएस का मतलब है कोई भी आके कनेक्ट हो जाए, ओके कनेक्शन टेस्ट करो, उसने बोला हाँ हो रहा है, मैंने कहा ओके, डबल क्लिक ओके, अब ये एनएनएमएस से कनेक्टेड हूं मैं, एनएनएमएस का मतलब क्या है, इसकी इसमें मैंने कोई ऐसी कंडीशन लगाई नहीं, क्या एनएनएमएस इसकी डिटेल देख सकता है, बोला हाँ देख सकता है, क्या एनएनएमएस इसका पासवर्ड सेट कर सकता है, बोले ट्राई करके देखो, टेस्ट 1-2 TEST टेस्ट 1-2 ओके, बोला नहीं एनएनएमएस ये काम नहीं कर सकता, LDAP एरर, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, कह रहा है भाई अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए, और वही यूजर कर सकता है जिस यूजर को ये राइट्स हैं। अगर मैं टी खान से कनेक्ट करूंगा तो टी खान सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो पी खान का या के खान का या एच खान का नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट हो जाऊं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, अगर मैं इसके ऊपर एनएनएमएस से कनेक्ट हूं तो सिर्फ देख सकता हूं, अगर मैं ये भी कंडीशन खत्म कर दूं भाई एनएनएमएस से देखने वाला भी सिस्टम खत्म कर दो, एनएनएमएस से कनेक्ट करने ही नहीं दो, तो ये एनएनएमएस से कनेक्ट ही नहीं करने देगा, वो तो मैंने ऐसी कोई उसके ऊपर काम ही नहीं किया, क्योंकि मेरा अभी डोमेन नहीं है उस पर काम करना, तो इसलिए मैं कनेक्ट हो रहा हूं और मैं यहां से लॉग इन भी हो रहा हूं, और मुझे यहां पे सारे यूजर भी नजर आ रहे हैं, इसके अपने लोकल भी नजर आ रहे हैं और बाहर वाले भी नजर आ रहे हैं। मैं यहां गया, मैंने बोला ये वाला काम मेरा खत्म हो गया, अभी मैं दूसरा वाला काम आपको